दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक स्टॉक के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट की। अगर मैं बात करता हूं यहां पर 134.40 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। वहीं 3 आवर चार्ट की अगर मैं बात करूं यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ है और ऊपर जाने की कोशिश स्टॉक कर रहा है। अगर यही तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में जो टारगेट स्टॉक अचीव करेगा वो हैं 140-145 रुपीज़ तक के टारगेट भी फेडरल बैंक अचीव कर सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में फेडरल बैंक शामिल है कंटिन्यू होल्ड करें। यहां पर ख़रीदारी का मौका भी स्टॉक बना रहा है तो बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं फेडरल बैंक स्टॉक को। नीचे की तरफ 130 रुपीज़ का एक छोटा सा सपोर्ट लगाकर चल सकते हैं। अगर वापस गिरावट आती है और ये सपोर्ट लेवल फिर से ब्रेक होता है और निचले लेवल्स दिखा सकता है तो सपोर्ट का ध्यान रखें, स्टॉप लॉसेस लगाकर चल सकते हैं। तो यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है फेडरल बैंक में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।